तुम्हारी कोई बड़ी बहन हो तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ देखने में, मैं फिर दाढ़ी वाढ़ी नहीं कटा रहा कि वरना मैं फेस वॉश करा लूँगा 20 रुपए का। बहुत स्मार्ट हूँ। यू हैव मनी, यू विल गेट हनी, यू विल गेट हनी, लॉट ऑफ हनी, लॉट ऑफ हनी बीज, यू विल बिकम मधुमक्खी का छत्ता। ना ब्यूटी इज ब्यूटी, आज ब्यूटी निकाल दूंगा सारी। अपने मेजर सेट में 180-200 किलो वही लगाऊंगा सीधा पहला सेट, 15-16 रेपिटेशन हर सेट, और ये भी हो सकता है आप सेम वेट भी रख सकते हो। आपने, मैंने बोला ना, आपने उस लड़के की लाइफ खराब कर दी ना, उसे स्पॉन्सरशिप मिलने वाली, आगे वो जिस भी कंपटीशन में खेलने जाएगा वहाँ पर उसका सब मजाक उड़ाएंगे कि तू तो सत्तू पीता था, अब कंपटीशन खेलने आ चुका है तो माल तो ठोका ही होगा, आप बदनाम अलग हो जाओगे। उसको बदनाम करना बंद करो, उसका यूज़ करना बंद करो। बात रही ब्लड वर्क की या किसी भी चीज़ की, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को 15-20 दिन हो चुके हैं, 3 दिन लगते हैं बॉडी से वॉश आउट करवाने में, नॉर्मल वॉश आउट। मैं 1500 mg का इंजेक्शन आता है ना, एक लगता है, 24 घंटे में बॉडी क्लीन हो जाती है। 3 दिन वाला भी आता है, 15 दिन की तो PCT है ही नॉर्मल। तो मेरे भाई, मुझे आपसे कोई ब्लड वर्क नहीं चाहिए। पब्लिक को बस सपने मत बेचो कि आपकी ऐसी बॉडी बन जाएगी NPC खेलने वाले लड़के जैसी, मेरा छोटे सत्तू जैसी। क्लियर बोलो उनको कि भाई सत्तू इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको जिम आने में हेल्प कर देगा, जिम में वजन उठाने में हेल्प कर देगा। बॉडी बनानी है, सत्तू ठोकने से काम नहीं चलेगा, माल ठोकना ही पड़ेगा, ठीक है? आपके बोल देने से कोई माल रोकने नहीं वाला। जिसकी जेब गर्म है, जिसके जिगरा है ना, वो बंदा लेगा ही लेगा। असल बात यह है, जिम में इतने बंदे आ रहे हैं, सब ठोकना चाहते हैं माल, जेब में पैसा नहीं है बस इसलिए नहीं लेते। आपकी 2 वीडियोस देखने के बाद एक बंदा 2 महीने लेट कर देगा, 3रे महीने फिर वो लेना शुरू कर देगा, कोई फायदा नहीं आपकी वीडियो का। लास्ट सेट होगा, वेट सेम है, 15-16 रखे। में जिन ट्रेनर्स के अंदर ट्रेनिंग करी हुई है वो सारे मित्र खास जान पहचान के बंदे हैं हमारी टीम के, ठीक है? चंदीला भाई से पंगा तूने क्यों नहीं लिया, क्योंकि तूने एक टाइम उन्हीं से माल पूछा हुआ था कि भाई एब्स क्लियर करने के लिए स्टैंजोलॉन लूँ या विंस्ट्रॉल लूँ, चैट उन्होंने दिखा रखी है, तो सच बोलना। एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं भी है भी, जो हम एक्सरसाइज मारते हैं या हमारा कोई साथ में खड़ा है लगवा रहा है, वो बोलता है पुश करो अपने आप को। पुश करने का मतलब ये नहीं है, देखो ये पुश करने का मतलब नहीं है, पहले 10 रेप क्लीन निकालना उसके बाद कर लेना पुश, पुश करके दिखा देना। मेरे को इस लाइन में कभी घुसना ही नहीं है, और मेरे को दुख कहाँ होता है कि जब मैं जिम गया था 2017 में, 2 साल तक मैंने सिर्फ बैक कह रहा हूँ, बाइसेप और लेग्स मारी थी, कोई ट्रेनर नहीं था वहाँ पे बताने वाला। दुख होता था कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई खाना बताने वाला नहीं होता था। अमित पंगाल, गुरुमान, इन्हीं की वीडियोज़ देखते थे हम, थोड़ा बहुत वर्कआउट सीख लेते थे, इसलिए मन करता है कि आज जो लड़के जिम में आते हैं, क्रेज बढ़ चुका है कोरोना के बाद, वो परेशान ना हो, हम उनकी किसी तरीके से मदद कर सकें। झूठ बोल के नहीं, पूरा वर्कआउट बताते हैं, डाइट बताता हूँ, क्योंकि मुझे
किसी से कमाना नहीं है, आपको कमाना है राइट। आप पूरा वर्कआउट बताओ ना, आप पूरी डाइट बताओ ना, आप ये क्यों बता रहे हो बेसन का चीला खाना है? आप खुद खा लोगे चीला 365 दिन? नहीं खा पाओगे, मत बोलो झूठ यार। मेरे को दुख की बात से मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, कोई बात बुरी लगी हो आपको, लेकिन आप उस लायक नहीं हो कि हम आपसे कॉन्ट्रोवर्सी भी करें, ठीक है? हमें आपसे कोई ब्लड वर्क नहीं चाहिए। बात रही 50,000 रुपये की, आप स्टेज पर चढ़ के कह रहे थे इतना पैसा है तो बांट दो। भाई हमारा ब्योत था 50,000 का, हमने आके रख डर दिया। अब 15 दिन हो गए हैं, मैंने उनसे प्रोटीन प्राटीन ले लिया है, 5,000 बचे हैं, ब्लड वर्क करा लेना, 5,000 दे दूंगा भाई। 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा हैमस्ट्रिंग्स की, यानी 3-3-6, और फिर 2 एक्सरसाइज, यानी 2 एक्सरसाइज मतलब होगी वो एक ही, एक वेटेड एक नॉर्मल काफ्स की। डंबल से रॉड की जगह मैं डंबल प्रेफर करता हूँ, मेरे को रॉड में वो रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता, डंबल में ज़्यादा मिलता है। मेरे को 15-16 रेप निकालने हैं तो सीधा 30 किलो हाईएस्ट डंबल वही है, 15 रेप स्वाद आ जाएगा, दम निकल जाएगा। तो कहते हैं ना बूटी इज ब्यूटी, आज ब्यूटी निकाल दूंगा सारी। आप टाइटिंग भी पहनते हो? वैसे तो मुझे भी नहीं पता क्यों पहनता हूँ, सच बोलूं। तगड़े होने पे ध्यान दो, तगड़े होने का मतलब जिम में तगड़े नहीं होना, पैसे से तगड़ा होना है। आपकी जिम में पैसा होगा ना, आप गलत बात भी बोलोगे वो भी सामने लगेगा, वाह भाई साहब यार चल कमाल, भाई साहब कमाल। आपकी जिम में रुपया नहीं है ना, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज हनी, व्हेन यू हैव मनी यू विल गेट हनी, यू विल गेट हनी, लॉट ऑफ हनी, लॉट ऑफ हनी बीज, यू विल बिकम मधुमक्खी का छत्ता। एंड जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता बनोगे छत्तियाँ आ जाती जाएंगी छत्ती, लेकिन लास्ट में सिर्फ उसी से शादी करना जो मम्मी ला कर देगी, मम्मी ला कर देगी प्योर हनी आपको, पतंजलि का सोनी की टीम, सोनी हनी नहीं ला कर देगी, मम्मी ला कर देगी डाबर हनी, प्योर हनी, प्योर। देखो सत्तू लेना है आपने, बिल्कुल लो, लेकिन सत्तू 3 सॉल्ट्स में आता है, सत्तू प्रोपोनेट, सत्तू ट्रेंड, सत्तू विंस्ट्रॉल, ये 3 आते हैं मार्केट में। मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं दिलवा दूँगा। तो तू आपने लेट जाना है कहाँ पे? आपने लेटना है मशीन पे, ठीक है? नहीं कुछ लोग कहीं बेड पे, बेड पे लेट जाए, देखो वहाँ बॉडी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है? 5th एक्सरसाइज सीटिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, 3 सेट, 45-50 किलो लगा रहा हूँ, सेम 15-16 रेपिटेशन भाई, सीधा सीधा मतलब है बेड पे दिखेंगे। ये गंदी बातें करते हैं ना आजकल के नौजवान लड़के, ऐसी बातें करते हैं हमें शर्म आ जाती है। ऐसी भाई सिस्टम, भाई सिस्टम से आया सिस्टम भाई, आजकल दिखे नहीं। तारीफ करता हूँ मैं आज पांडे की, क्या बात है, मैं जो भी हूँ आज मतलब मैं जिंदगी में जितना ही बर्बाद हुआ हूँ वो मैं उसी की वजह से हूँ। पांडे जी इसके बाद बहुत मार लगाएंगे जहाँ तक। मैं पांडे को याद करता हूँ क्योंकि मैं सफलता की उस सीढ़ी पे था जहाँ पर से मेरे को धकेला गया। नहीं बट पांडे भाई बहुत लबोरियस चाइल्ड है, मतलब उसको लड़कियाँ बुलाती हैं वो जाता नहीं है, जिम आता है, अल्फा मेल है तो लड़कियाँ बुलाती हैं वो जाता नहीं है, पहले जिम मारता है उसके बाद जाता है। उस दिन से मेरी बॉडी बननी शुरू हो गई क्योंकि वो खुद तो जाता था जिम के बाद। कहाँ पे? नहीं मैं नहीं जाता था, मैं कभी नहीं गया भाई, मैं उस सदी का बंदा हूँ, संत आदमी जिसको बोलते हैं। मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कि जिम के बाहर होती कैसी दुनिया है, मैं बहुत शरीफ हूँ भाई। अगर तुम्हें देखना है तो भाई पिछले वाले ब्लॉग में जाके देख लेना। हाँ मॉल ऑफ फरीदाबाद में हमने अभी आग लगाई है रिसेंटली में, हमारी में कंप्लेंट भी हो गई है वीडियो देखने के बाद, वीडियो को जरूर देखना, 2 पार्ट में है, दूसरा सेट लगाते हैं। मेरी बंदी यहीं रहती है इसके पीछे, बॉम्ब से याद है ईशान की बंदी कैसी है। तो ईशान भाई को पता होगा, मेरा छोटा ब्रदर फ्रॉम सेम मदर, जितनी भी लड़कियां उसके लिंक में हैं भाई कमेंट सेक्शन में आओ, अपने अपने नाम छोड़ो, उसका पर्दाफाश करेंगे, उसको हम नंगा करेंगे। और वो तो मैं गिनती डालता हूँ,
छह को तो मैं जानता हूँ छह अगर तुम सातवीं हो तो तुम अपना देख लेना, बाकी देखो तुम्हारी कोई बड़ी बहन हो तो मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ देखने में। मैं फिर दाढ़ी वाढ़ी निकट आ रही, वरना मैं फेस वॉश करा लूँगा 20 रुपये का, बहुत स्मार्ट हूँ। लास्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी एक काम मिक्स रहेगा लंजेस का, वॉकिंग लंजेस 5 राउंड लगाएंगे 15-15 रेपिटेशन के, उसके बाद कार्प्स एक्सरसाइज। लेट्स गो। इसमें गलती में क्या देखता हूँ, मसल पे काम ना करने की जगह ना भागते रहेंगे लंजेस लगाते हुए, जल्दी 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 जल्दी। अगर आप मसल को पकड़ के 15-16 लंजेस भी लगा दोगे 8-8 पर लेग, हालत खराब हो जाएगी आपकी। मैं दिखाता हूँ गलती क्या करते हैं, अभी सही बता दिया, अब मैं दिखाता हूँ गलती वाले। मैराथन चल रही है गाइस, देखो ये देखो ये देखो ये देखो मैराथन। अरे मैं अखिल आपका क्या पी ओ वी है भाई सत्तू को लेके? मैं अभी शुरू करने वाला हूँ सत्तू की साइकिल, तो बहुत जल्दी दिखाऊंगा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं भी इसको चूतिया बनाऊंगा, फिर बाथरूम में जाके इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, और फिर बाहर इसको काली बनियान पहन के दिखाऊंगा कि देखो ये सत्तू पे है। फिर हम पब्लिक रिएक्शन लेंगे, फिर पब्लिक रिएक्शन लेंगे। देखो फिर मैं इसको बोलूंगा वीडियो में जय श्री राम बोल, देसी बोल और सत्तू बोल। देखो मिक्स है, देसी पे 3,000 व्यूज, सत्तू पे 10-12 हज़ार व्यूज, जय श्री राम पे 15-20 हज़ार, वर्कआउट डाल दो 200 व्यूज। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। काफ़ी साइज की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला पोस्ट तो कहीं देखा देखा सुन रहा है ना, इसमें कमेंट करके बताना कहाँ देखा तुमने ये वाला पोस्ट। लास्ट एक्सरसाइज काफ्स की थी हमारी, मशीन ना हो तो आप नॉर्मल इसको स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो। मैंने 10 किलो से स्टार्ट किया था, जो लास्ट जाऊंगा मैं 10-20-30-50, यानी 10-10, 20-20-30-30, यानी 100 किलो। रैप मेरे 15 ही रहेंगे, ना कम ना ज़्यादा। बात आती है कंट्रोवर्सीज की, देखो मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मेरे जो 2-4 भाई हैं जो मेरे पे रियल में आ रहे थे, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी सत्तू पीने से, उनको मैं कुछ बताना चाहता था, इस वीडियोस के थ्रू मैंने उनको बता दिया। बात आई 50,000 की, ब्लड वर्क की, वो सिर्फ मैं आपके सामने एक आई ओपनर दे रहा था कि जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो आप उसको बोलो ना फिर कि आप अगर सत्तू पी के आपने सही में बॉडी बनाई, और जब पूरी इंडस्ट्री आपके पीछे पड़ गई है कि आप अपना ब्लड वर्क तो देखे ख़त्म करो, स्टेज पे चढ़ के आप बोल रहे हो कि इतना पैसा है तो बांट दो, हमारे पास नहीं है फालतू पैसा। आपको सिर्फ सच्चाई आपके सामने लाने के लिए वो चीज़ें करी गई थी, कोई हेट नहीं है भाई आपको, छोटे हैं आपसे, हमसे कुछ मुँह से गलत निकल गया हो तो भाई हम लिटरली हमें कोई बैर नहीं है, हम लिटरली माफ़ी मांगते हैं भाई आपसे, अगर कोई बात बुरी लग जाए हमारी या मेरे किसी फॉलोअर ने मेरे के सब्सक्राइबर ने आपको फालतू बोला हो, गाली गलौज किया हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से, कोई भी उनके कमेंट सेक्शन में नहीं जाएगा। आतड़ियों में जम जाता है वो, और अगर इतनी ही पावर थी सत्तू में तो बिहार से बॉडी बिल्डर हमारे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, हर घर में सत्तू का मट्ठा वट्ठा पिया जाता है तो इतने बॉडी बिल्डर वहाँ से क्यों नहीं निकल रहे। एक डाइट का सोर्स था जिसको मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा था, सामने आ भी गया है वो बहुत लोगों के। अब मैं छोटा सा आपको चीज बताता हूँ, इतिहास उठा कर देख लेना कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ना एक बंदा पहले चीज़ को पकड़ के चलता है, और जब वो बड़े लेवल पे पहुंच जाता है ना वो अपनी गेम बदल देता है, वो अपने वर्ड्स बदलता है। जैसे तरुण गिल ने किया था, उसने खुद अपने पॉडकास्ट में रियल हिट के पॉडकास्ट में बोला है कि मैगी जो थी वो एक इमोशन थी, उसका मैंने यूज़ किया अपने आप को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए, मेरे 15-16 मिलियन फॉलोअर हो गए जिसके अंदर सारे थे मैगी खाने वाले, ना मैगी खाने वाले, फिटनेस वाले, ना फिटनेस वाले, जिनको मज़ा चाहिए था वो भी आ गए। उसने दारू दिखाई, उसने प्रोटेक्शन दिखाई, उसने मैगी दिखाई, उसने हर वो चीज़ दिखाई जो आई कैचर सिगार दिखाई, और उसने आई कैचर था, उसने मार्केटिंग करी अपनी चीप स्किल्स नहीं, बहुत स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग करी, बड़े लेवल पर पहुँच गया, पैसा आपसे कमा लिया, अब वो गायब है, अब उसको पैसा लगातार जनरेट हो रहा है। वैसे ये भी सत्तू सत्तू करते बढ़ता जा रहा है आगे, अब ये वापस से आप इनकी स्टोरीज देखना, हर दूसरे दिन पेड ट्रेनिंग अपने आप को अब ये बेच रहा है कि मेरे से आप पेड ट्रेनिंग लो, देखो मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करी, मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करी, मैंने हर ट्रांसफॉर्मेशन को भाई आपकी बहुत क्लोजली देखा है,
आप सिर्फ वेट लॉस करा रहे हो, आप मसल गेन क्यों नहीं करवा रहे किसी का? सिर्फ और सिर्फ आपने उस छोटे सत्तू का आपने मसल गेन कराकर बोला है कि ये सत्तू लेता, वो भी आपने बात घुमा दी कि उसने एनपीसी खेला था, वो मेरे अंडर नहीं खेला था, वो किसी और कोच के अंडर खेला था। अगर उसने माल लिया भी है तो मेरे को नहीं मालूम, झूठ पकड़ा गया आपका, कोई हेट नहीं है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ना मुझे कोई ब्लड वर्क चाहिए आपसे, ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है कि आप आगे भी आके ब्लड वर्क कभी दोगे लाइफ में। बस मेरा कहना है भाई सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। अभी भी आपने ऐसे बोल ही दिया मार्केट में कि ना मैं बॉडी बिल्डर कोच हूँ, ना मैं सत्तू को प्रमोट करता हूँ, ना मैं सत्तू को वेप, मैं सिर्फ उन गरीब बच्चों के साथ हूँ जो वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई अगर वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी टू से दिस, जिम की फीस भी बहुत महंगी होती है, जिम भी मत आया करो। 1000 रुपये तो जिम की फीस भी होती है, 1000 रुपये में प्रोटीन भी आता है। और दूसरों के इंस्टा में या कमेंट सेक्शन में जाकर गरीबों की तरह ये बोलना कि भाई मुझे सस्ता प्रोटीन सोर्स बता दो, कुछ कमा लो जाके, बहुत सोर्स है पैसा कमाने के। जिस दिन मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, नेक्स्ट डे मैं वन प्लस में जॉब करने चला गया था बिना मेरे डिग्री हाथ में आई, ठीक है। जिस दिन मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी ना, मेरे आज भी दोस्त हैं 2 साल से घर बैठे हैं, मजाक से हट के मेरे सर्कल के बंदे हैं खास, जो आज भी घर बैठे हैं। और मेरे को 2.5 साल हो गए जॉब करते, 2.5 साल ही मेरी डिग्री खत्म हुई है। मेरा पैकेज मुँह पे बोलता हूँ 8 से 9 हज़ार रुपये का था जब 2021 में जॉब शुरू करी थी, आज ना 10 गुना ऊपर लेके बैठा हूँ उससे अपने दम पे। बॉडी बिल्डिंग अलग करी है, शौक अपने पूरे करिए, ठीक है। और कभी दान पुण्य भी नहीं किया हमने, दिखाकर किसी से पैसा छीन लिया हो कि भाई आप मुझे दे दो और मैं आपके नाम पे दान कर दूंगा, सच्चाई बोल के चल रहे हैं। पैसा अलग चीज़ हो गई, आप पैसा कमा लो, जितना कमाना है कमा लो, पब्लिक उधेड़ देगी, इतिहास उठा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने।